सो गाइस, हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में मेजर वॉटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जो भारत में मुख्य जलप्रपात है, उसका पार्ट वन हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए, उसके बाद ये लेसन आपको देखना चाहिए। देखो, होता ये है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जलप्रपात क्या होता है, एंड तो इस लेसन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो मेजर जलप्रपात है क्योंकि होता एक्चुअल में ये है कि बहुत सारे मेजर और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसमें कि भाई कौन सा जलप्रपात है, एंड वो किस नदी पर है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये लेसन प्रेजेंट किया गया है मेरे द्वारा और मेरा नाम है कुमार जतिन। हम देख लेते हैं गाइस, फर्स्ट जो हमारा है वो ये येना जलप्रपात है। ये येना जलप्रपात के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, दिस इज ये येना जलप्रपात। ये कहाँ पर है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, अंडरस्टूड। दूसरी चीज है दूध सागर जलप्रपात ऑन मांडवी रिवर इन गोवा। आप गोवा में देख सकते हैं, ये ना के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है दूध सागर जलप्रपात। ये किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है, जो कि गोवा में बहती है। इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि गोवा में मांडवी नदी बहती है या मांडवी नदी गोवा में बहती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मांडवी रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आप सिंपली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मांडवी रिवर कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। कौन सा इस पर जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात है, ठीक है। अगला गोकक जलप्रपात, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है। और जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि भाई आपको जो याद रखना है मैं आपको बताता जाऊंगा। गोकक आपको याद रखना है, एक होर्स सी शेप्ड वाटरफॉल है, एक जो होर्स शू होता है। देखो इसका हिंदी में आई डोंट नो अबाउट होर्स शू हिंदी में क्या होता है, तो उसके जैसी इसकी आकृति है, तो इसको नाम गोकक दिया गया है, ठीक है। ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये ना के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है गोकक जलप्रपात। ये कहाँ पर है? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, और रिवर है गोकक, याद रखना है आपको। गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो जलप्रपात है वो है मेके डातु। मेके डातु जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है, बंगलुरु में है। मेके डातु आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज मेके डातु, मेके डाटू भी कह सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। मेके डाटू जलप्रपात कहाँ पर है? बंगलुरु में है, कर्नाटका में है, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक के बंगलुरु में कावेरी नदी पर मेके डाटू जलप्रपात है। अगला जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात, कई बार पूछा गया है, जोग गरसेप्पा, जोग फॉल या फिर गिरसोप्पा जलप्रपात। इसके बारे में देखिए, ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है जोग प्रपात, ये शरावती नदी पर है, महाराष्ट्र में है, और उन कर्नाटका बॉर्डर, कर्नाटक के बॉर्डर पर है। कर्नाटका महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पर ये स्थित है, ठीक है। शरावती एट महाराष्ट्र उन कर्नाटका बॉर्डर, ठीक है। तो आप सिंपली इसको लोकेट कर सकते हैं, दैट इज जोग जलप्रपात। और देखो एक्चुअली में ये जोग जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर, आपको याद रखना है। और ये भारत का सबसे हाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, जोग गरसेप्पा जलप्रपात, याद रखना है। सबसे इंपोर्टेंट जलप्रपात है ये, क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है और शरावती नदी पर है, ठीक है, कर्नाटका में, अंडरस्टूड। महाराष्ट्र में है और ये कर्नाटका के बॉर्डर पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात इंपोर्टेंट है, ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, बंगलोर में है, ठीक है। ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कावेरी नदी पर है और ये बंगलोर में है। आगे चलते हैं, होजनेकल जलप्रपात इंपोर्टेंट है, होजकल जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, होजनेकल जलप्रपात भी बोलते हैं इसको। तो ये किस नदी पर है? ये भी कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसके बाद होजकल जलप्रपात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कावेरी नदी जो जाती है एट लास्ट इन बंगाल की खाड़ी में, तो
तो होस्कल जलप्रपात भी इस पर है, तमिलनाडु में है, शिवसमुद्रम कर्नाटका में था, बंगलुरु में था, और होस्कल जलप्रपात कहाँ पर है, दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है। प्याकरा जलप्रपात, पिकारा जलप्रपात, प्याकारा जलप्रपात, ये प्याकारा नदी पर है, नीलगिरी हिल्स ऊटी में, ये भी तमिलनाडु में है। देखो प्याकारा जलप्रपात आप देख सकते हैं यहाँ पर होस्कल के नीचे लिखा हुआ है प्याकारा, लेकिन इसकी लोकेशन ये है प्याकारा की, ठीक है। तो प्याकारा जलप्रपात कहाँ पर है, प्याकारा नदी पर है, नीलगिरी हिल्स में है, ऊटी में है, ठीक है। दूसरी बात, वातापराई जो जलप्रपात है वो पलानी नेशनल पार्क है, पज्जायार नदी है जो ये कन्याकुमारी में तमिलनाडु में है, वातापराई, ये वातापराई है, देखो यहाँ पर ये वातापराई है। ये जलप्रपात कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है ये जलप्रपात, और पलानी नेशनल पार्क में ये जलप्रपात सिचुएटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, सूचीपाड़ा जलप्रपात, सूचीपाड़ा जलप्रपात कहाँ है, सूचीपाड़ा जलप्रपात जो है एक तीन टायर का वाटरफॉल है जो कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहां पर सूचीपाड़ा जलप्रपात है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लोकेट कर सकते हैं, दिस इज सूचीपाड़ा, और ये केरला में है, मैं और वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है, एक तीन टायर का जलप्रपात है। तीन टायर के जलप्रपात का मतलब होता है, देखो इस प्रकार से आया, तीन टायर बनाए उसने, पहली बार वो उस वाटर का फॉल हुआ, सेकंड बार हुआ, थर्ड बार हुआ, तो तीन बार इसके वाटर का फॉल होता है। दैट इज सूचीपारा जलप्रपात, एक तीन टायर का वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में जलप्रपात है सूचीपारा। अगला जलप्रपात है मीन मुत्ती जलप्रपात, मीन मुत्ती जलप्रपात कहाँ है, देखो इसका मेन जो होता है वो फिशेज आर ब्लॉक्ड, मीन मुत्ती लिटरली मीन्स वेयर फिशेज आर ब्लॉक्ड, जहां पर मीन को, मीन मतलब मछली, फिशेज को ब्लॉक करके रखा जाता है। ये कहाँ पर है, केरला में है, मलयालम में है, आप यहाँ पर इसको लोकेट कर सकते हैं, जो सूचीपाड़ा है उसके सदर्न पार्ट में मीन मुट्टी जलप्रपात है, ठीक है। तो मीन मुट्टी जलप्रपात कहाँ हुआ, दैट इज इन केरला मलयालम, ओके, ठीक है। इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं, जहां पर ब्लॉक किया जाता है फिशेज को। अगला है वजहाचल जलप्रपात, ये चलक्कुडी रिवर पर है, केरला में है, ठीक है। वजहाचल किस नदी पर, कहां पर है, केरला में है, ये चलक्कुडी नदी है, चलक्कुडी नदी, वहां पर जलप्रपात है ये। ये तीन जलप्रपात केरला के हैं, सूचीपारा, मीरमुत्ती, मीनमुत्ती और वजाहाचल, ये तीनों जलप्रपात केरला के हैं, अंडरस्टूड। तो आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं, याद ही रखने हैं, उसके अलावा भी आप याद रखने तो बहुत अच्छी बात होगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको मैं एक बार याद करा देता हूँ। देखो इसमें आपको होस्कल जलप्रपात याद रखना है, होस्कल जलप्रपात के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, कि ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, और इसमें आपको याद रखना है जोगजसेप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में है, शिवसमुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है बंगलोर में है। अगला है गोकक जलप्रपात जो कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, गोकक नदी पर है। अगला जलप्रपात है दुदुमा जलप्रपात जो कि मचकुंड नदी पर है और उड़ीसा में है। कपिल धारा की बात कर लेते हैं, एमपी में है, जो कि एमपी में है और नर्मदा नदी पर है। अगला जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। इसके अतिरिक्त हुंडरू जलप्रपात है जो कि निक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, सुवर्णरेखा झारखंड में है। अगला है चुलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर राजस्थान में है, ओके। तो गाइस आज के डिस्कशन में इतना ही, एंड अगर ये लेसन आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम फेस हो या फिर अन्य किसी टॉपिक पर आप लेसन चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।